एतमाद न्यूज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। अंजुमन मुफिदुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल का इफ्तिताह श्री सुदीप बंदोपाध्याय एमपी लोकसभा, जनाब मोहम्मद नदीमुल हक एमपी राज्यसभा, जनाब जावेद अहमद खान मिनिस्टर डिसास्टर मैनेजमेंट, श्री स्वर्णा कमाल शाह एमएलए इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी, वार्ड 62 की काउंसलर मोहतरमा सना अहमद, बोरो 4 की चेयरपर्सन मैं अंसारी भाई जो पारा के सेक्रेटरी है उनका इस्तेमाल करें। मैं मुख्तार भाई से कहूँगा कि जनाब डॉक्टर इशरार अहमद साहब का, जनाब परवेज रजा साहब उनका इस्तेमाल करें। आप लोगों से और वार्ड 54 के हरदील अजीज काउंसलर एमएमआईसी जनाब अमरुद्दीन बॉबी के शुभ हाथों से हुआ। आइए सुनते हैं स्कूल के ताल्लुक से इन लोगों ने क्या कहा। देखो बड़े विषय है, ये स्कूल का नाम तो बहुत है, ये स्कूल का हालत खराब हो गया। वो विषय पर हम लोग के जनप्रतिनिधियों हैं यहाँ एम पी एम एल ए सब मिलकर चीखे कि स्कूल को अच्छा से बनाना चाहिए और 6000 स्टूडेंट दोनों स्कूल मिला के यहाँ पढ़ते हैं। बहुत बड़ा पीछे दादा पीछे तो आज सबसे बड़ा विषय कि यहाँ का एजुकेशन का बारे में एक अच्छा स्कूल देखने से भी बच्चों का दिल में आता है कि उसके अंदर जाया होता है और इसका जिस तरह से ये बने बहुत खुश हो जाता है, एक छोटा से बड़ा सब खुश हो जाता है। बिग जॉब माइनॉरिटी जो है पीछे रह गए इसको आगे लाने के लिए ये कदम उठाए, इसीलिए तो मैंने बताया मैं 4 दिन पहले वार्ड 62 में इंग्लिश मीडियम उनको भी उद्घाटन किया। अमीरुद्दीन बॉबी नहीं वो इराद हकीम बॉबी वो मेयर भी आए थे वहाँ, वहाँ 62 का सना अहमद का वार्ड है। तो आज यहाँ तो एक स्कूल नहीं और 2-3 स्कूल ऑलरेडी बन चुका और बन रहा है और अमीरुद्दीन बॉबी का टारगेट है कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। देश आखिर दिनों में बंगाल मॉडल को फॉलो करेगा, हम लोग कोई मॉडल को क्यों फॉलो करेंगे? पूछे उसके बाद आखिर दिनों में कहाँ जाएंगे वो मुझे उसको बारे में सारे कोलकाता का दर्ज देखिए, ये 54 नंबर वार्ड के आवाम का बहुत तय है, उन्होंने दिल खोल कर वोट देते हैं, एमपी एमएलए काउंसलर को जिताते हैं, दीदी का हाथ मजबूत करते हैं और ये हाथ मजबूत हम लोग दीदी का हाथ मजबूत करने के लिए सारे काम। सर नए वाला स्कूल कब तक चालू हो जाएगा? हमारे मुस्लिम इलाके मुस्लिम माशरे में एजुकेशन का बहुत कमी है, इसके वजह से गुज़स्ता हम लोगों ने देखा 40 साल में कायम नहीं हो रहा है। तो ये स्कूल इस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है मिशनरी स्कूल है वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास बच्चे वो पढ़ नहीं पाते, इसीलिए हम लोग ने ये कम पैसे में 300-400 रुपये महीने में फीस में ये स्कूल को हम लोग आगे ले जाएँ और मिडिल क्लास के बच्चे लोग जो है वो पढ़ पाए और अपनी अच्छी एजुकेशन ले पाए। तो बंगाल मॉडल जिस तरह से पेश कर रहा है स्कूल सारे बन रहे लगातार हर वार्ड में, क्या ये मॉडल दिल्ली में
देखिए ये तो दादा कहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने वार्ड के बारे में कहूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एमपी का जो अंजुमन मुफीद इस्लाम को बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए 50 लाख रुपए एमपी लाइट फंड से मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलाके के एमएलए संजय कुमार साहब, उन्होंने 20 लाख रुपये एमएलए फंड से दिया है। बात बाकी मैंने अपने वालिद साहब के यादगार में जो मुकम्मल करना था मैंने वो वादा किया था, मैंने उसको पूरा किया। मैं 54 नंबर वार्ड के तमाम अंजुमन के टीम को, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे मौका दिया। मैंने कोशिश करने की कोशिश की, ये पहला दूसरा तीसरा पड़ाव नहीं है, आगे बहुत है, काम बहुत बाकी है। उर्दू स्पीकिंग माशरे में जो है स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, रफ्ता सही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अंजुमन की हैसियत से मैं सदर हूँ, इसको बढ़ाना चाहिए एज अ काउंसलर, एज अ सदर। मैंने ये पूरा कोशिश करने की कोशिश की और ये स्कूल 4-5 मंजिला स्कूल बन चुका है। आप इसके क्लास रूम जाएँ, कोई अंग्रेजी स्कूल से कम नहीं। अमरुद्दीन साहब जिस क्लास कल से चालू हो जाए सारा, आप लोग ऊपर जाके अमरुद्दीन साहब, मुसलमानों का जो अभी 4 इदारे हैं बहुत ही फेमस है, मजीद और इजाफा क्यों नहीं हो रहा? ये बरसों से 4 ही इदारे क्यों? पहले इसको मुकम्मल कर ले उसके बाद नए इदारे किया जाए। मैडम जिस तरीके से अभी आप ये बात कर लीजिएगा, पहले साहब क्या कहेंगे, 4 इदारे जो हैं अभी देख रहे हैं कि उसमें काम बेहतर तरीके से हो पा रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो लोग प्यार करते हैं कौन को, वो लोग प्यार करते हैं, वो लोग तालीम से वो अच्छा करने की कोशिश की है। अमरुद्दीन बाबू को हाथ देता हूँ, बेड़ा उठाया था और साथ दिया है हमारे एम पी सुधीर मुखोपाध्याय ने, साथ दिया हमारे एम एल ए डॉक्टर भवन शाह जी ने। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जो बलबला है, वसुता है, स्कूल के बारे में जो फीलिंग्स है उसको आज खुशी के पैमाने पर ना देगा तो मेरे ख्याल से खाना अंग्रेज हो गया। ज़्यादा जिस तरह मुसलमानों के 4 इदारे अभी है, जिस तरह मुसलमानों का अभी गिने चुने 4 इदारे आपने कहा अपने स्पीच में, क्या लगता है कि और इदारों में इजाफा होनी चाहिए थी? बेशक होना चाहिए, मुसलमान की आबादी बढ़े और इदारे बढ़े, ये सभी चाहते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, और इदारे कब मजीद इजाफा होंगे? हम लोग काम कर रहे हैं, हर इलाके में हर एमएलए हर काउंसिलर लगा हुआ है, जो एजुकेशन बैकवर्ड है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जो और उसके साथ गवर्नमेंट दे रही है और उसका साथ आपका मकदम देख रहे हैं कि लोग मिल रहे हैं। जावेद साहब, उर्दू स्कूलों का बुरा हाल होता जा रहा है, कल भी रोना था टीचरों के बारे में, आज भी रोना है, मगर नए नए स्कूल को अपनी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? स्कूल में अभी जो हमारा जो पढ़ा गया है, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने से ही बच्चे हमारे को कैरियर मिलेगा, लेकिन आज 1-10 जो आते हैं माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी में, वो ग्राम बंगला के बच्चे आते हैं, वहाँ रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ के वो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है जो भी लैंग्वेज से जो भी जन्म है जबान के आप स्कूल हो या इंग्लिश हो, बंगला हो, उर्दू हो, हिंदी हो, और पढ़ने वाला ठीक है वहाँ से कामयाब बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और बड़ा। अगर आप एतमाद न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।